पिछले दिनों विभिन्न मंदिरों में हुई चोरी की व तोड़फोड़ की घटनाओं का बोकारो पुलिस ने उद्भेदन किया है। इस आपराधिक घटना में पुलिस ने चार अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए जेल भेज दिया है। पुलिस कप्तान चंदन कुमार झा ने मारोफारी थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि लगातार जिले में मंदिरों में तोड़फोड़ तथा दान पेटी से चोरी के मामले ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, जिससे लोग उग्र हो रहे थे। वहीं इस तरह की घटनाएं पुलिस के लिए भी सिरदर्द बना हुआ था। जिले के 10 थानों में इस तरह की आपराधिक घटनाओं के कांड दर्ज किए गए थे, जिस पर मुख्यालय डीएसपी मुकेश कुमार के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित कर इसकी छापेमारी की जा रही थी, जिसमें कई थानों के थाना प्रभारी व इंस्पेक्टर सहित पुलिस जवान भी शामिल थे। सभी कांडों का उद्भेदन करते हुए चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त सदाकत राय उर्फ सदाकत हुसैन, सूरज रजवार, कुलदीप सिंह, आफताब राय हैं। इनमें से तीन अभियुक्त कसमार थाना क्षेत्र अंतर्गत मोचरो गांव के रहने वाला है, वहीं एक अभियुक्त जरीडी थाना अंतर्गत बहादुरपुर घटवार का रहने वाला है। इन सभी के सुई करोक्ति बयान के आधार पर इनके निशानदेही पर चोरी की गई मंदिर की दान पेटी व चोरी में इस्तेमाल की गई उपकरण सहित दो मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस कप्तान ने इस कांड का उद्भेदन का श्रेय एसआईटी टीम के सदस्य को दी है। उन्होंने कहा कि यह सभी कांड 15 दिनों के भीतर घटित घटनाएं हैं। उन्होंने बताया कि यह लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते थे और अपने नशा आदि की पूर्ति करते थे। आपको बता दें कि हाल ही में जो हुई मंदिरों में घटित घटनाएं हैं, उनमें से सबसे ज्यादा चर्चित मारापारी थाना क्षेत्र अंतर्गत कसियाटांड शिव हनुमान मंदिर, रीतुडी चंचली स्थान, सेक्टर 4 थाना अंतर्गत सूर्य मंदिर आदि मंदिर है, जहां से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एसआईटी टीम ने पहचान कर चोरों को गिरफ्तार किया है। करीब 10-15 दिनों से बोकारो जिला में 8-10 घटनाएं ऐसी हुई थी जिसमें मंदिर में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा दान पेटी की चोरी की गई, और एक जगह पे मारापाड़ी थाना में दान पेटी में कुछ नहीं मिलने पे जो भगवान की मूर्ति स्थापित की गई थी तोड़फोड़ किया गया था। ये हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट केस था और कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी पुलिस पे था कि इसको सही डिटेक्शन हो, टाइमली डिटेक्शन हो। इसको लेके डीएसपी हेडक्वार्टर मुकेश जी के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई गई। उसमें हम लोगों को 3-4 जगह का इन्फॉर्मेशन पहले मिल रहा था, कुछ बिहार का मिल रहा था, कुछ गिरिडीह का मिल रहा था, कुछ रामगढ़ का मिल रहा था, और फाइनली सूचना मिली कि कसमार थाना क्षेत्र के मुचरो गांव से संबंधित कुछ अपराधी हैं जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया। उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कल शाम को मुचरो गांव कसमार थाना से प्रथम अभियुक्त सूरज रजवार को गिरफ्तार किया गया। उसने कन्फेस किया इस अपराध में कि हम लोग इस अपराध में शामिल हैं, और उसके कहने पे दान पेटी भी बरामद किया गया। उसके कन्फेशन पे फिर दूसरा अभियुक्त सदाकत राय, उसको भी मोचरों से गिरफ्तार किया गया, और उसके पास से मोटरसाइकिल और चोरी में जो सामान यूज कर किया जाता है इनके द्वारा जो आप लोग देख रहे हैं वो रिकवर किया गया। उसके बाद फिर तीसरा अभियुक्त कुलदीप सिंह, उसको बहादुरपुर स्थित अपने घर से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से भी इक्विपमेंट्स रिकवर हुए हैं। चौथा में और आखिरी में आफताब राय, उसको भी मोचरों से गिरफ्तार किया गया। तो कुल मिला के 4 अभियुक्त, में 3 मोचरों गांव से और एक जो है बहादुरपुर से गिरफ्तार किया गया। इनका अपना ग्रुप है और ग्रुप पैसे के लिए ये जहाँ इनको सॉफ्ट टारगेट दिखता है, और क्योंकि नॉर्मली मंदिर में उतनी सुदृढ़ सुरक्षा नहीं रहती है ना मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा, या बहुत बार पुलिस भी उस पर बहुत फोकस नहीं कर पाती है, उनको वो एक सॉफ्ट टारगेट मिलता था। कुल मिला के 10 कांड जिसकी सूची प्रेस विज्ञप्ति में है इनके द्वारा किया गया। सभी कांड पिछले 15 दिनों के हैं, जिसमें 2 अभियुक्त जो है सूरज रजवार और सदाकत राय, इनके आपराधिक इतिहास भी रहा है। सूरज रजवार पे 2 प्रॉपर्टी ऑफेंस का केस है और सदाकत पे मार्केट का केस है। इसमें रिकवर्ड आइटम में 2 बाइक जो यूज हुए हैं दान पेटी, और मुख्य जो उपकरण यूज हुए हैं वो हम लोग रिकवर किए हैं। टीम में डीएसपी हेडक्वार्टर डीएसपी रोहित रजवार जो प्रोफेशन कम्प्लीट करके बोकारो में है अभी, और हमारे इंस्पेक्टर जरीडी हैं, थाना प्रभारी कसमार, थाना प्रभारी मारापारी, जरीडी, बालीडी।